चल रही है कि निकाल दिए हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और अभी बज रहे हैं 6 और सुबह सुबह बस गाइस उठी हूँ। उठ के चाय बनाई है, चाय ला के यहाँ पे रखी है और चाय पीने वाली हूँ। और गाइस उसके बाद बनाऊंगी खाना। बच्चे स्कूल जाएंगे, ये भी ऑफिस जाएंगे, तो इसीलिए। और गाइस आज जो है मैं पूरे दिन करने वाली हूँ घर की सफाई, क्योंकि दिवाली आ गई है, तो दिवाली से पहले मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ घर की। तो गाइज यहाँ पे सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो गोभी जो है फूल गोभी है यहाँ पे, तो इसको पहले मैं गर्म पानी में थोड़ा डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, और इसका पानी निकाल दूँगी बाद में। और यहाँ पे गाइज फिर मैंने गोभी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर जीरा डाल दिया है तेल में, और फिर प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे सभी को। और यहाँ पे गाइस मैंने आलू को कट करके रखा है पानी के अंदर, जिससे कि काले ना हो। और सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे आलू ही डाल दूँगी। अभी आलू डालने के बाद गाइस इनको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करेंगे सभी को। और इसको मिक्स करने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दी हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया। धनिया मैं थोड़ा हमेशा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी जाड़ी जाड़ी अच्छी लगती है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच धनिया डाला है, सूखा धनिया, और इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो गोभी थी इनको मैंने थोड़ा हल्का सा बॉईल किया है, और उसका पानी निकाल दूंगी अभी, और फिर ये भी सब्जी के अंदर मिक्स कर दूंगी। बस यहाँ पे गोभी भी डाल दी है आलू के साथ में, और अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, जो कि मैंने नहीं डाला था, और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये आलुओं में भी चला जाएगा और इसमें भी। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। पानी डालने के बाद गाइस ढक्कन लगा के थोड़ी देर रख दूंगी पकने के लिए। और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे लहसुन, और लहसुन को भी मिक्स कर दूंगी, और 1 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी सब्ज़ी देखिए पक चुकी है। के साथ में मैंने डाल दिया यहाँ पर टमाटर भी, साथ ही में डाल दूंगी, जिससे कि ये भी जल्दी से गल जाए। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया ढक्कन, और बस थोड़ी देर के लिए। और बस गाइस ये देखिए मेरी सब्ज़ी पक चुकी है अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने लास्ट में डाल दिया हरा धनिया, और अब इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए गाइस मेरी सब्ज़ी एकदम बन चुकी है। बस गाइस अभी मैं कर देती हूँ गैस को बंद, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी है मेरी। और दूसरे गैस पे गाइस मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि बच्चे नाश्ता भी करेंगे और टिफ़िन में भी लेके जाएंगे, तो मैं पराठे ही डालती हूँ टिफ़िन में इनको, जिससे कि ये सॉफ्ट रहते हैं। रोटी थोड़ी टाइट हो जाती है, इसलिए मैं पराठे डाल देती हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे पराठे बना दिए हैं, अब बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ फटाफट से। बाय गाइस, अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल दोनों। और नीचे रोड पे देखिए गाइस कितनी बारिश आई हुई है, बहुत ज़्यादा, रात भर बारिश आ रही थी, तो इसीलिए पूरा रोड, छत सब गीली गीली नज़र आ रही है। ये बच्चों को छोड़ के आ गए हैं गाइस, अभी इनके लिए बनाया नाश्ता है। नाश्ते में मैंने चाय बनाई है, पराठा बनाया है, तो इनको दे देती हूँ इनकी चाय, ये मेरी चाय है, तो दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। देखिए गाइस आज सफाई कर रही हूँ मंदिर की, तो यहाँ पे सारी मूर्तियाँ वगैरह सब यहाँ पे लाके रखती है, यहाँ पे पूरा खाली कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अभी गाइस बिछाऊंगी महाराज का, और उसके बाद इनको सबको यहाँ पे लगाऊंगी। और नीचे जो आप पूजा का जो सामान होता है, अगरबत्ती, दिया बत्ती, जो भी होती है, वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये बुक्स वगैरह है। और यहाँ पे अभी सभी महाराज का पहले आसन लगा देती हूँ, उसके बाद महाराजों को सेट कर देती हूँ यहाँ पे। तो गाइस सफाई कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने बेड के गद्दे बाहर निकाल दिए हैं, ये भी निकाल दूंगी, और इस बेड का भी बाहर लगा दिया है, क्योंकि गाइस धूप नहीं आती है, आज धूप आ रही है, रात भर बारिश आ रही थी, लेकिन फिलहाल एकदम धूप आ रही है, तो मैंने यहाँ पे धूप में सारे गद्दे बाहर डाल दिए, और कपड़े भी धो धो के सुखा दिए, आधे कपड़े सुखाए, आधे कभी वॉशिंग मशीन में है। कबर्ड भी पूरा खाली कर दिया है मैंने, तो अभी कपड़े जचाऊंगी इसके अंदर साफ घड़ी कर करके। सारे कपड़े पड़े हैं इनको, जितने भी कपड़े पड़े सबको घड़ी करूँगी और कबर्ड जचाऊंगी। तो ये देखिए गाइस कबर्ड को मैंने अच्छी तरह से जचा दिया है, पूरे कबर्ड को जैसे मुझसे हुआ वैसे जचा दिया है। तो यहाँ पे सारे कपड़े लगा दिए हैं, और काफ़ी कपड़े अभी को गाइस वॉशिंग मशीन में भी रखे हैं। ये सब टी शर्ट हैं, एकदम चद्दर वद्दर एक्स्ट्रा जो हैंड टॉवल वगैरह वो इसके अंदर रख दिया मैंने। यहाँ पे कुछ बेडशीट वगैरह रखी हैं, और थोड़े जो ना चाहने वाले कपड़े वो यहाँ पे सारे मेरे कपड़े रखे हैं, यहाँ पे बच्चों के रख दिए, और यहाँ पे सूर्या के डैडी के रखे हैं। तो गाइस कबर्ड भी जच गया है, गाइस कबर्ड वगैरह घर पूरा क्लीन कर लिया है, लेकिन अभी नहाई नहीं हूँ, अब नहाऊंगी, क्योंकि 4 बज चुके हैं गाइस, करते करते बच्चों का आने का टाइम हो गया, तो अगर मैं नहाने घुस जाऊंगी तो बच्चे आ जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ गई सोफा पे, क्योंकि गाइस वो आ जाएंगे, फिर दरवाजा कौन खोलेगा उनके लिए, तो इसीलिए वो आ जाते हैं, उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो गाइस पहले फटाफट से मैं यही काम कर लेती हूँ, चादर वगैरह जचा लेती हूँ, तब तक
इनको मैंने धूप दे दी थी गद्दों को अच्छी तरह से, और अब जो है इन पे बिछाने जा रही हूँ बेडशीट। बेडशीट तो ये देखिए गाइस, पूरे ये जो बेड है उनको सबको यहाँ से क्लीन कर दिया है, और अब बेडशीट बिछा देती हूँ क्योंकि अभी बच्चे आएंगे सोने। और यहाँ पे देखिए गाइस, जचाते ही भूमि आके सो गई है इसके ऊपर, क्योंकि इसको मस्ती करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, अभी तो जचा है बेटा, सलवटे आ जाएंगे इसके अंदर, चादर के अंदर। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से मत कर, गिर जाएगी वो, नीचे आ जाएगा वो। तो गाइज वो मैंने इसलिए बिछा रखा है जिससे कि कोई डस्ट वगैरह आते तो उसके ऊपर ही आएगी, फिर उसको नीचे उतार के मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है वहाँ से भी, और उसको वापस से बिछा दिया है, और यहाँ पे देखिए बेड भी पूरा क्लीन कर दिया, पूरा घर क्लीन कर दिया है आज। हाँ मस्ती कर रही भूमि, मत कर। ये पूरे दिन ऐसे ही करती रहती है। ऊपर देखिए गाइज फैन चल रहा है बहुत ज़ोर से, इसलिए फ़ैन की आवाज़ आ रही है। ये भूमि देखिए, अभी जचाया मैंने अभी। क्या भूमा आते ही खराब कर देती है, कोई फायदा नहीं है। अरे मारूंगी मैं, मत कर ऐसे। नहीं मस्ती कर रही है, तीन तीन पिल्लों के ऊपर जंप मार रही है, वहां से लग जाएगी भूमि बेटू, लग जाएगी। नहीं नहीं मानती है लड़की, मानती नहीं है। आ देखो ऐसा कौन सा स्विमिंग पूल है भाई। तो गाइज यहाँ पे सूर्या और भूमि ट्यूशन गए थे, तो उसके पीछे से ये आया है, तो अभी मैं भूमि के साथ में खोल रही हूँ, तो देखते हैं गाइज इसके अंदर क्या आया है। अमेजोन से ही इन्होंने कुछ ऑर्डर किया होगा शायद, भूमि ने और सूर्या के डैडी ने, दोनों ने मिलके किया था। तो इसके अंदर से ये फ्लोटिंग पैन निकले हैं, जो कि ये भूमि ने शायद ऑर्डर करवाए होंगे अपने डैडी से कह के। तो देखते हैं गाइज ये कैसे काम में लेते हैं। तो यहाँ पे भूमि आ गई है, तो ये देखिए कर रही है, और ये एक पानी लिया है और साथ में एक स्पून लेकर आई है, उसके साथ कुछ कर रही है। तो ये इस कलर से स्पून के ऊपर ड्राइंग बना रही है, तो ये पहले दिखा रही है मुझे क्या कैसे करना है, तो मुझे तो इसका पता नहीं है, तो ये भूमि करने में लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, भूमि ने एक स्टार बनाया था बहुत ही सुंदर से, पानी में निकल जाता है, तो इसने कहा मामा अभी ट्राई कीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं भी बना के देख रही हूँ, देखती हूँ कि बनता है कि नहीं बनता है। तो ये मैंने भी एक स्टील की स्पून ली है, और उसके पीछे जो है बैक साइड में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लावर बनाऊँगी मैं भी अभी, देखते हैं मेरा भी आता है कि नहीं आता है। ये देखिए गाइस मेरा भी उतर गया है, देखिए ऐसे बन जाते हैं, बहुत अच्छे है, पानी के अंदर ड्राइंग बन जाती है, बच्चों के लिए अच्छा है ये। तो भूमि ने मंगाया था, इसकी जो बहन है जानवी उसके पास था, तो इसने भी उसका देख के मंगाया था। तो देखिए गाइस ये बच्चों के लिए टाइम पास के लिए बहुत अच्छा है, वैसे बच्चे ड्राइंग करना भी सीख जाते हैं बैठे बैठे। तो ये देखिए भूमि करते जा रही है, बनाते जा रहे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे बना रही है वो, उसको एकदम अच्छी तरह से आ रहा, मुझे इतना स्मूथली नहीं आ रहा, धीरे से निकाल रही है, मुझसे तो निकल ही नहीं रहे थे, चिपक के जा रहे थे। और उसके बाद गाइस बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज कट कर लिए हैं, आज बना रही हूँ मैं भजिया, प्याज की भजिया। तो ये देखिए गाइस गर्मा गर्म बना रही हूँ, और उसके साथ में मैंने बनाई है हरे धनिए की चटनी, क्योंकि बारिश के अंदर पकोड़े खाने के मज़े ही अलग होते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने बना लिए, उनको भी ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो इन्होंने कहा चलो बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे गर्मा गर्म भजिया बना रही हूँ, तो चलिए गाइस आप भी आ जाइए और खा लीजिए भजिया चटनी के साथ में, बहुत टेस्टी है गाइस। ये क्या बन गई, ये तू क्या कर रही है, डेंजर लग रही है भूमि, इतना पाउडर क्यों लगा गया, ये रात हो रही है, भूतनी बन के आई है यहाँ पे, क्या तो वो कभी कभी क्या मन में आ जाती है भूतनी बनने का। कैसी लग रही है भूमि, डेंजर एकदम। ये देख तेरी परछाई दिखाई दे रही है दीवारों पे भी, नजर आ रही है। अब क्या बन के आई है तू, मंजुलिका। रात को काहे की मंजुलिका डराएगी क्या, रात को सोती मुंह धो के आजा पागल, जब मुंह धो के आ, डर लगी का भूमा इसको, मुझे क्या डर लग रहा है, तेरा ऐसी क्या डेंजर जो बनी हुई,
रात के 10:15 हो रहे हैं और भूमि आप ये बन क्या ही है। तो बस गई, खाना पीना हो गया था और मैं यहाँ पे बैठे बैठे बिग बॉस देख रही थी, यहाँ पे भूमि भूतनी बन के आ गई है। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।